मीका सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। आज की बड़ी खबर है तेजेंद्र सिंह बग्गा को लेकर आ रही है। यहां पर उनकी कार्रवाई पर अब हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो इस पर अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। यह देखा जा रहा है कि बीजेपी के दिल्ली प्रवक्ता तेजेंद्र सिंह को लेकर सियासत अभी काफी गरमाई हुई है। साथ ही उनके बेल पर भी अब जमानत मिल चुकी है उन्हें और उनके खिलाफ गिरफ्तारी के जितने भी वारंट है उन पर भी अब रोक लगा दी गई है। कोर्ट का कहना है कि 10 मई तक कोई भी सख्त कार्रवाई जो है वो तेजेंद्र सिंह बग्गा के खिलाफ ना लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ उनके पिता ने भी केजरीवाल पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल चाहते थे कि बग्गा उनकी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले, लेकिन उन्हें डर था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बग्गा उनकी पार्टी के खिलाफ ही जितने भी गलत काम हो रहे हैं उसे उजागर करेंगे और इसी वजह से उनके बेटे को जानबूझ कर फंसाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि बग्गा की गिरफ्तारी की बात जब से सामने आई है तब से सियासत काफी गरमाई हुई है। एक तरफ बीजेपी और अब बग्गा के पिता भी आम आदमी पार्टी पर यही आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल का हाथ हो सकता है इस गिरफ्तारी के पीछे, लेकिन दूसरी तरफ अब बग्गा को राहत मिल चुकी है, गिरफ्तारी पर उनके रोक लग चुका है। और आपको इल्जाम की अगर बात करें तो बता दूं कि उन पर भड़काऊ भाषण देने, पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए आरोप थे और इसी के तहत कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुके हैं और 10 मई तक कोई भी कठोर आदेश की जो है उस पर रोक लगा दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बग्गा को लेकर जो सियासत गरमाई हुई है दिल्ली की उस पर अब आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन होता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।